Hello everyone, welcome to PharmaRocks, the way of success. In today's video, we will learn about the detailed classification of anthelmintics drug from the subject pharmacology. So first of all, we must have to know about the what are the helminths. Okay, कि जिसको kill करने के लिए या फिर हमारे body में से expel out करने के लिए हम anthelmintics drug जो है वो use करते हैं. सो जो हमारे जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर अलग अलग जे और वॉर्म्स कई बार प्रेजेंट होते हैं कि पिन वॉर्म्स है. ओके, एस्केरिस, एस्केरिस मेल या फिर फीमेल, पैरासाइटिक वॉर्म्स, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म्स वगैरह अलग अलग वॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. सो द एंथेलमेंटिक्स और एंटी हेलमेंटिक्स आर द ग्रुप ऑफ एंटी पैरासाइटिक ड्रग दैट एक्सपेल पैरासाइटिक वॉर्म्स एंड अदर इंटरनल पैरासाइट्स फ्रॉम द बॉडी बाय आइदर स्टनिंग और किलिंग देम एंड विदाउट कोजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू द होस्ट. होस्ट बॉडी को डैमेज नहीं करते इस टाइप के ड्रग और डायरेक्टली दे एक्सपेल आउट द वॉर्म्स फ्रॉम अवर बॉडी आइदर बाय स्टनिंग देम और बाय किलिंग देम. सो अवर टूडेज वीडियो लेक्चर इज बेस्ड ऑन द एंथेलमेंटिक्स ड्रग क्लासिफिकेशन की. ये क्लासिफिकेशन तैयार करना जरूरी है सबसे पहले टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक. सो वेलकम टू PharmaRocks. यू कैन डाउनलोड अवर ई लर्निंग मोबाइल एप्लीकेशंस फ्रॉम ए गूगल प्ले स्टोर. वी प्रोवाइड यू प्रीमियम क्वालिटी टेस्ट सीरीज एट अफोर्डेबल प्राइस सो दैट स्टूडेंट कुड अफोर्ड द क्वालिटी प्रिपेरेशन इन ए लो रेट्स. सो टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल ऑन अवर मोबाइल एप्लीकेशन. एंड्रॉयड ऐप PharmaRocks इज अवेलेबल ऑन ए गूगल प्ले where you can solve the GPAT test series, pharmacist and drug inspector test series. For more details, you can contact on 9016312020. GPAT test series, pharmacist test series, video lectures are also available on our mobile applications and drug inspector test series. You can also get the study material from our mobile application. Subscribe the channel for more educational videos of a pharmacy. So anthelmintic drugs. So first of all, a broad spectrum. Okay, based on the spectrum activity, broad spectrum anthelmintic drug है वो है mebendazole. Then roundworm and threadworms के लिए specific जो कोई use की जाती है, it is a piperazine and levamisole. Levamisole is prescribed for mainly roundworms. Roundworms के लिए लेवामिसोल. देन सिस्टोसोम्स, सिस्टोसोम्स की जो है प्राजी क्विंटेल. एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिवर ब्लाइंडनेस. ओके, इवरमेक्टिन, इवरमेक्टिन फॉर रिवर ब्लाइंडनेस. सो दीज आर द मेन मेजर टाइप्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेबेंडाजोल, राउंड वॉर्म एंड थ्रेड वॉर्म, piperazine, levamisole for a roundworm, cystosomes, praziquintal and river blindness is a ivermectin. आगे देखते हैं डिटेल क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वन फॉर roundworms, कि roundworm को कहा जाता है Ascaris lubricoides. ओके, Ascaris lubricoids, और इसके लिए जो इफेक्टिव ड्रग ट्रीटमेंट है अवेलेबल. सो फर्स्ट चॉइस ड्रग इट इज ए मेबेंडाजोल. आफ्टर दैट यू कैन चूज अल्बेंडाजोल, पायरेंटेल, पाइपराजिन, लिवामिसोल एंड इवरमेक्टिन. बट द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इट इज ए मेबेंडाजोल. फर्स्ट लाइन ड्रग या फिर फर्स्ट चॉइस ड्रग इट इज ए मेबेंडाजोल फॉर राउंड वॉर्म एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स. राउंड में भी ये पर्टिकुलर टाइप है कि एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स जो है हेलमिंथ्स उसके लिए उसका टाइप है राउंड वॉर्म एंड दीज आर द मेडिसिंस फॉर दैट. नेक्स्ट इज द हुक वॉर्म्स कि जिसको कहा जाता है एंसिलोस्टोमा डिओडिनाले एंड नेक्टर अमेरिकेनस. एंड फॉर दैट द ड्रग्स आर मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, पायरेंटेल, लेवामिसोल एक्सेट्रा. एंटी हेलमेंटिक्स आर use. So इसमें भी first choice drug it is a mebendazole. After that second choice it is a albendazole.
and third choice it is a parental. For threadworm, okay, threadworm ka dusra naam hai Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis ki jisko hum threadworms kehte hai, and the drugs are pyrantel, okay, pyrantel, mebendazole, albendazole and piperazines are prescribed for the threadworm. Number 4, strongyloides starcoralis, and for that drug of choice it is a ivermectin, and second choice it is a albendazole. सो जो यहाँ पे फर्स्ट लिखी है वो आप ड्रग ऑफ चॉइस या फिर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कह सकते हो उसको, फॉर स्ट्रोंजिलॉइड्स स्टार कोरालिस. नेक्स्ट इज फॉर वीप वॉर्म, ओके, फॉर वीप वॉर्म कि जिसको हम कहते हैं ट्राइचुरिस ट्राइचियूरा, एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इट इज ए मेबेंडाजोल, एंड द सेकेंड चॉइस इट इज ए अल्बेंडाजोल. सो आपको इस तरह से याद रखने हैं थ्रेड वॉर्म कौन से है, वीप वॉर्म कौन से है, और उसके लिए मेन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, और उसके बाद उसके सेकंड चॉइस और अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो अवेलेबल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस थ्रेड वॉर्म या फिर वीप वॉर्म या फिर स्ट्रोंजिलॉइड स्टारकोरालिस. आगे देखते हैं डिटेल में क्लासिफिकेशन. नंबर 6, फॉर ट्राइचिनेला स्पाइरालिस, फॉर ट्राइचिनेला स्पाइरालिस इन्फेक्शन कि जिसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इट इज ए अल्बेंडाजोल, एंड सेकंड चॉइस इट इज ए मेबेंडाजोल. नंबर 7, फिलारियासिस, ओके, फिलारियासिस के लिए डाईइथाइल कार्बेमेजिन इवरमेक्टिन एंड अल्बेंडाजोल, जिसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हम रखेंगे वो है डाईइथाइल कार्बेजिन कि जिसके अंदर फिलारियासिस, फिलारियासिस के अंदर इंक्लूड्स है वोचेरेरिया बैनक्रॉप्टी एंड ब्रुजिया मलाई. नंबर 8, फॉर द टैप वॉर्म्स, ओके, फॉर द टैप वॉर्म्स कि टैप वॉर्म्स के अंदर इंक्लूडेड है टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा एंड हिमेनोलेपिस नाना, ओके, कि जिसको एच नाना भी कहा जाता है, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा एंड हिमेनोलेपिस नाना कि जिसको एच नाना, शॉर्ट में एच और पीछे नाना लिखा जाता है. सो ट्रीटमेंट्स आर ब्राजिक्विंटल, निक्लोसेमाइड एंड अल्बेंडाज आर यूज फॉर द टैप वॉर्म इन्फेक्शन इन ए एंथालमिंटिक्स ड्रग. नंबर 9, इट इज ए हाइड्रेटेड डिसीज, ओके, एंड हाइड्रेटेड डिसीज में कवर होते हैं इसिनोकोकस ग्रैन्युलोसस एंड इसिनोकोकस मल्टीलोक्युलरिस, एंड द ट्रीटमेंट्स आर अल्बेंडाजोल इज द फर्स्ट चॉइस एंड द मेबेंडाजोल इज एज अ सेकंड चॉइस ड्रग इन ए हाइड्रेटेड डिसीजेस. सो रेगुलरली आपको ये चार्ट्स बनाकर ये जो ड्रग्स है वो याद रखनी है, स्पेशली फॉर द वेरियस टाइप ऑफ हेलमिंट्स. अलग अलग हेलमिंट्स के लिए डिफरेंस टाइप की जो एंथालमेंटिक्स ड्रग्स जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है टू द पेशेंट. मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, सेंड योर नेम, सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू 9426180836 फार्मरॉक्स व्हाट्सएप ग्रुप्स. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन अवर मोबाइल एप्लीकेशन फॉर जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट एंड नाइपर एग्जाम. You will find the PharmaRox application on Google Play Store. So download the application and start your test series. For more details, you can contact on 9016312020. Good luck and all the best.